यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें हर वक्त बदलाव होते रहते हैं, पर अरबों गैलेक्सीज और अनगिनत स्टार्स वाला यह विशाल कॉस्मोस इकलौता नहीं है। हम अपनी जिंदगी एक और यूनिवर्स से शेयर करते हैं और ये यूनिवर्स बहुत छोटा है, जिसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं। इस अनजान और रहस्यमय दुनिया को माइक्रोकॉस्मोस कहा जाता है। माइक्रोकॉस्मोस बहुत ही जरूरी है, चाहे वो हमें दिखाई ना दे पर वो हर जगह है। वो अपने आप में एक दूसरे यूनिवर्स या दूसरी दुनिया की तरह है। उसने एवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। माइक्रोकॉस्मोस के बिना आज हम यहाँ नहीं होते और हमें जिंदा रखा। माइक्रोकॉस्मोस से ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और वो हमारे भविष्य पर असर करेगा जब हम स्पेस में जाएंगे। अगर हम कभी ऐसी जगह जाते हैं जहां लाइफ है और नया माइक्रोकॉस्मोस है, तो बिना इम्यूनिटी के हमें खतरा हो सकता है। हम अपनी दुनिया माइक्रोकॉस्मोस के साथ शेयर करते हैं। क्या हम शांति में जीवन बिता पाएंगे या ये हमें तबाह कर देगा? एक अनजान और ना दिखने वाला हत्यारा अपने शिकार पर झपट पड़ता है। वो उसके सेल को हाईजैक कर सैकड़ों घुसपैठियों की फौज तैयार कर लेता है। यही होता है जब माइक्रोकॉस्मोस हमारे खिलाफ लड़ता है। 2020 में हमने ऐसे ही घुसपैठिए का सामना किया था, एक वायरस जिससे दुनिया भर में COVID-19 नाम की महामारी फैल गई। इस पैंडेमिक ने मेरे दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया है, क्योंकि ये एक अलग यूनिवर्स से था जो मेरे आसपास है, मेरे अंदर भी है, जिसे मैं अब तक पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। शायद हम उस दूसरे यूनिवर्स को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते। हम एक बड़े इनविजिबल यूनिवर्स में रहते हैं। हम हर एक चीज को देख नहीं सकते, हम कुछ बड़ी चीजों को देख नहीं पाते, यहाँ तक कि छोटी चीजें भी देख नहीं पाते। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज दिखने में बहुत छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं। असल में बहुत छोटी चीजों का हम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनमें से कुछ असर फायदेमंद होते हैं, पर वो बीमारियों के घातक प्रभाव में कहीं खो से जाते हैं। इंसानियत जिससे लंबे समय से एक जंग लड़ती आ रही है, वो चीज है माइक्रोकॉस्मोस। हम लंबी जंग लड़ रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ जो जानलेवा है। 100 साल पहले हम स्पैनिश फ्लू से लड़े थे। उसने यूरोप को लगभग खत्म कर दिया था। उस वक्त उस बीमारी से लाखों लोगों की मौत हुई थी, तो ये पहला पैंडेमिक बिल्कुल नहीं है और सच कहूँ तो आखिरी पैंडेमिक भी नहीं है। एक तरह से हमें कोरोना वायरस ने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को बेहतर ढंग से समझने के लिए मजबूर कर दिया है। माइक्रोकॉस्मोस बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके कुछ हिस्से हमारी जान लेते हैं तो कुछ हमें जिंदा रखते हैं। माइक्रोकॉस्मोस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर सके और हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। हमारी जिंदगी माइक्रोकॉस्मोस पर डिपेंड करती है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, यहाँ तक कि हमारी अर्थ का सरफेस भी माइक्रोकॉस्मोस से बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। ये अदृश्य माइक्रोकॉस्मोस दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। ये जो इनविजिबल कॉस्मोस है, ये हर जगह है। जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग से लेकर ग्लेशियर्स तक, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम्स में भी। हमने ये पाया है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर और उसके ओशियंस के हर क्यूबिक फुट वॉल्यूम में लाखों वायरस होते हैं। यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं, उससे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर वायरसेस हैं। ये कमाल की बात है। भले ही इनकी मोटाई हमारे बालों से 100 गुना कम है, पर अगर अर्थ के सभी वायरसेस को एक लाइन में जोड़ा जाए तो उसकी लंबाई 10 करोड़ लाइट ईयर्स के बराबर होगी, जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से दूरी का 40 गुना है। इससे सवाल ये उठता है कि ये प्लैनेट आखिर है किसका? अगर हम नंबर्स को ध्यान में रखें तो कहना होगा कि ये वायरस का प्लैनेट है। माइक्रोकॉस्मोस हमारे शरीर में भी मौजूद है। हम पूरी तरह इंसान नहीं है। ये बात कि हमारी और आपकी बॉडी बस कुछ ह्यूमन सेल से बनी है, इस सोच में डाल देती है कि बाकी बॉडी किससे बनी है। ये हैरानी की बात है कि हम अपनी बॉडी 3,800 खरब वायरसेस के साथ शेयर करते हैं और 490 खरब बैक्टीरियल सेल्स के साथ भी।
एक एवरेज इंसान की बॉडी में ह्यूमन सेल्स के मुकाबले बैक्टीरियल सेल्स की गिनती कहीं ज्यादा होती है, तो मेरा सवाल ये है कि हम इंसान हैं भी या नहीं। साइंस की हिस्ट्री में ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो मेरे लिए बहुत खास हैं, जैसे कि दो ब्लैक होल्स का टकराना जो बहुत कमाल का था। पर एक और मोमेंट था जब मैं समझी कि हमारा करीब आधा शरीर असल में इंसानी नहीं है। ऐसा किसने सोचा था? जिन्हें बैक्टीरिया से डर लगता है उनके लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा।